नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। शिक्षा का सच, सीएम डिप्टी सीएम के गृह जिलों में कॉलेज प्राचार्य के पद खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल वीवी मंडी शैक्षणिक सत्र 2023 यूजी स्तर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी कर रहा है। हकीकत यह है कि प्रदेश के 135 कॉलेजों में प्राचार्य के 100 पद खाली है। मार्च में 4 पद और खाली हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के गृह जिला मुख्यालय के बेड़े में कॉलेज तक में प्राचार्य के पद खाली है। वीवी भले ही पाठ्यक्रम बनाकर तैयार कर ले, लेकिन कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी करने के लिए मुखिया ही नहीं है। अनजान महिला से दोस्ती पड़ी महंगी, अश्लील वीडियो के नाम पर ठगे 4 लाख रुपए। पुलिस थाना अर्की में एक व्यक्ति के साथ वीडियो वायरल करने की एवज में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके साथ एक अनजान महिला 15 से 20 दिनों से व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी। एक बार मोबाइल पर महिला की वीडियो कॉल आई और उसने एकदम अपने कपड़े उतार दिए और कॉल काट दी। अगली सुबह उसे राकेश नाम के व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा है। उसने कहा कि महिला ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा हुआ है और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। कृषि मंत्रालय सेब सब्जी को कीड़ों से बचाने वाले कीटनाशक होगी प्रतिबंधित। सेब सब्जी को काले धब्बों और फ्रूट बोरर के हमले से बचाने वाले कई कीटनाशकों को केंद्र सरकार प्रतिबंधित करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इन कीटनाशकों को बनाने और बागवानों को बेचने पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्यों से 30 दिन में आपत्तियां मांगी गई है। निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो कृषि मंत्रालय इस पर रोक लगाने की आगामी कार्यवाही शुरू करेगा। प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए मिला 10 विद्यार्थियों को रोजगार, अल्ट्राटेक ने दिए युवाओं को टिप्स। पीवीएच अरविंद फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शुक्रवार को शीर्ष साई विश्वविद्यालय पालमपुर के 10 विद्यार्थियों को रोजगार के लिए चयन किया है। प्लेसमेंट ड्राइव का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर आरएस राणा ने किया। कंपनी के अधिकारी भारत ऋषि, ऑपरेशनल हेड और मानव संसाधन मैनेजर सीमादीप कौर ने बताया कि ड्राइव में 107 में से 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्लेसमेंट ड्राइव में भी शीर्ष साई विश्वविद्यालय पालमपुर, राजकीय महाविद्यालय पालमपुर व राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर आर एस राणा, डॉक्टर एन एन शर्मा, रजिस्ट्रार डॉक्टर जाहिद अली ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी। बिना सड़क बने ठेकेदार के पास कर दिए 5 लाख के बिल, जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत प्रधान की कथित धांधलियों पर कड़ा संज्ञान लिया है। प्रधान के खिलाफ बिना सड़क बने ही ठेकेदार के 5 लाख के बिल पास करने का आरोप लगा है। अदालत ने मुख्य सचिव सहित पंचायत विभाग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारित की गई है। चंबा जिले की ग्राम पंचायत से कोठी के उप प्रधान ने ये याचिका दायर की है। उप प्रधान लालचंद ने दलील की है कि 26 जुलाई 2022 को उसके अध्यक्षता में पंचायत की बैठक हुई थी।